मैं डॉक्टर दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक गायनेकोलॉजी से रिलेटेड मेल इनफर्टिलिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहला इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब नो फर्टिलाइज, ऐसा कंडीशन जिसमें किसी न किसी डिजॉर्डर की वजह से मेल इनफर्टिलिटी बन गई। मेल के किसी गड़बड़ी के कारण जो फीमेल का ओभा फर्टिलाइज होना चाहिए था वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, यानी मेल के किसी गड़बड़ी से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इस कंडीशन को हम लोग मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जो कि हम बताएंगे। ऐसा कोई डिजीज नहीं है, ना इसमें कोई सिम्टम आता है, ना कोई साइन आता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें लोग, तो ये मेल इनफर्टिलिटी का मेन तीन वजह होता है, मेन तीन फैक्टर होता है। सबसे पहला इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा इजाकुलेशन डिसऑर्डर, और तीसरा सीमेन फैक्टर। यानी तीन कंडीशन की वजह से, तीन वजह से क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी होता है। तो सबसे पहले आते हैं लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होती है। इसमें हार्मोन के डिजॉर्डर्स की वजह से, जिस हार्मोन से इरेक्टेशन डेवलप होती है जेनिटल ऑर्गन्स में, उसके वजह से इरेक्टेशन नहीं हो पाती है, और इसके कारण जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होगी और उसके कारण इनफर्टिलिटी डेवलप करती है। तो इसमें जो डिजॉर्डर्स मिलेंगे आपको, सबसे पहला डिजॉर्डर्स मिलेंगे हार्मोन के डिजॉर्डर्स, सबसे पहला। दूसरा डिजॉर्डर्स मिलेगा आपको हार्मोन के बाद लोकल जेनिटल डिजॉर्डर्स, आइदर इन्फेक्शन जैसे फिमोसिस, पाराफिमोसिस, सिफिलिस इन्फेक्शन, गोनोरिया का इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया, ये ट्राइकोमोनास विजाइनलेस, है ना, या फिर अदर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, हर्पिस का इन्फेक्शन, ये सब की वजह से क्या हो सकती है, इरेक्टेशन में डिजॉर्डर्स आती है। और प्लस अगर जेनिटल्स में और कोई कंजेनिटल डिजॉर्डर्स हो तो वो सब के कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन बताएंगे उस समय। सेकेंड है इजाकुलेटरी डिजॉर्डर्स। इजाकुलेशन में क्या होती है कि नॉर्मल में हम लोग जानते हैं कि जैसे ये यूरिन ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर के नीचे जहाँ यूरेथ्रा होता है, यहीं पर दोनों तरफ से इजाकुलेटरी डक्ट आ करके यहाँ पे ओपन होता है, और फिर आगे जाके एक्सटर्नल जेनिटल बनता है, और यहीं पे ये सेमिनल वेसिकल होता है, यहाँ पे दोनों तरफ में सेमिनल वेसिकल होता है। तो होता क्या है कि जब सीमेन बनता है, जब एक्साइटमेंट के समय, तो उसके बाद में यहीं से इजाकुलेशन होकर के इजेक्ट होकर बाहर आता है। लेकिन किसी भी कारण से हो सकता है कि सीमेन बना नहीं, और या तो रेट्रो इजाकुलेशन हो रहा हो, या फिर यहाँ से बहुत डिमिनिश्ड इजाकुलेशन, क्योंकि इजाकुलेशन जब भी होते तो एक बार में 3-5 ml इजाकुलेट होकर बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर बना तो सीमेन जरूर, लेकिन क्या हो रही है कि डिस्चार्ज स्लोली हो रही है। तो एक दो तरह के इजाकुलेशन में डिजॉर्डर होती है, एक होगी आपका जो कि रेट्रो इजाकुलेशन, और एक होता है स्लगिस इजाकुलेशन। तो रेट्रो इजाकुलेशन जो होता है वह ये दोनों जो होता है वह साइकोलॉजिकल से होता है ना। तो लेकिन ये ज़्यादा तो जो होता है ना, जो रेट्रो वाला ज़्यादा साइकोलॉजिकल से होती है, और जो स्लगिस इजाकुलेशन होती है ये जनरली पाथ के डिजॉर्डर्स या प्रोस्टेट ग्लैंड के डिजॉर्डर्स होता है, चाहे वो इनलार्ज प्रोस्टेट हो, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर होती है, या स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा हो। तो इजाकुलेटरी डिफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, इजाकुलेशन या तो स्लगिस हो, जैसे स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा, प्रोस्टेट इनलार्ज, है ना, ये सब कारण जो होता है वो आपको इजाकुलेटरी डिफेक्ट आएगी। अब बात आते हैं हम लोग, तीसरा है सीमेन फैक्टर। सीमेन फैक्टर में जहाँ लोग देखते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होगी डिजॉर्डर्स में, सबसे पहले हम लोग देखते क्या क्या है, क्वांटिटी डिजॉर्डर्स। दूसरा लिक्विफेक्शन टाइम का डिजॉर्डर्स, हो सकता है लिक्विफेक्शन टाइम या तो बहुत छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तीसरा में पीएच का डिजॉर्डर्स, या तो एसिडिक हो जाए तब गड़बड़ी हो सकती है। अगला काउंट कितनी है, कम से कम काउंट 60 मिलियन से ऊपर होना चाहिए पर ml। अगला मोटिलिटी में जानते हैं, मोटिलिटी से प्रॉपर कम से कम 80% मोटिलिटी होना चाहिए, काउंट के साथ कंपेरिजन करते हैं
बताएं, इसको बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, सीमेन लाइसिस वाला मेरा जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो एनालिसिस जब करते हैं तो सीमेन का फैक्टर ये सब आती है। ये सब की गड़बड़ी से क्या हो सकता है कि जनरली डिजॉर्डर्स आ सकता है इसमें। इसके बाद जनरली कभी कभी मेल में कोई ऐसा जैसे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उस सब के कारण भी जनरली इस पे इफेक्ट आता है सीमेन पे। तो इसका तो खैर फैक्टर अलग अलग बात में मिल जाएगा आपको। तो मेनली तीन डिजॉर्डर्स जो होता है मेल इनफर्टिलिटी में कॉमन देखने को मिलता है। अब बात आते हैं हम लोग कि अगर इस पेशेंट को अगर देखेंगे तो इसका सिम्टम क्या मिलेगा इसमें, है ना, इसका सिम्टम क्या मिलेगा। तो इसका सिम्टम तो ऐसे कुछ नहीं है, है ना, मेनली कोई सिम्टम तो ऐसे है नहीं। लेकिन क्या होगी, जैसे सबसे पहला कि साइकोलॉजिकल अपसेट रहेगा पेशेंट, है ना, सोशल विड्रॉल होगी पेशेंट के साथ और वही इन्फर्टाइल होगी। लेकिन ऐसे कोई सिम्टम जो बोला जाए कि हाँ इसका क्या हो सकता है, तो ऐसे कोई फिर पिकुलर सिम्टम कोई नहीं है, साइन कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जो सिम्टम है वो कॉम्प्लिकेशन ही है, क्योंकि पेशेंट क्या है अपने आप को बेचैनी महसूस करता है, ये करते हैं। चलिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन। कैसे पता लगाएंगे कि यह मेल इनफर्टिलिटी किस वजह से है। तो देखिए सबसे नंबर वन पे जो लिखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस लिखते तो हैं लेकिन फिर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, 3 days एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब 3 दिन तक किसी भी तरह का इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग सीमेन एनालिसिस के लिए एडवाइस करते हैं। ये वाला हम लोग बात बता चुके हैं आपको वीडियो में कि कैसे हम लोग करते हैं। उसके लिए लोग पेशेंट को बोलते हैं कि जो लेबोरेटरी में जा करके, ये लेबोरेटरी जो हॉस्पिटल है जहाँ पर भैया वहीं पर जाकर के कलेक्शन करके तब इसको एनालिसिस करा करके देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। दूसरा, अगर इसमें ज़रूरत पड़ता है तो सीमेन का कल्चर भी करते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करके देख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। पहला जो प्रीवियस में लोग, दूसरे नंबर पर चलते हैं वी डी आर एल या WR टेस्ट, ये लिखते हैं। दो यह लोग जांच करके देखते हैं। इसके बाद अगला जो जांच कराते हैं ब्लड शुगर रैंडम, क्योंकि अगर वो डायबिटिक पेशेंट होगा तो उस कंडीशन में गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि इसलिए हो सकता है कि प्रेशर का ये बराबर है। तीसरा में कराते हैं लोग MT टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस के लिए करा के देख सकते हैं। हो सकता है कि वो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस एक्टिविटी वालों को जनरली इनफर्टिलिटी होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग कराते हैं हार्मोनल टेस्ट में क्या क्या करा सकते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, है ना, फिर उसका FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH। आपको ये सब में क्या कहिए कि टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ रहेगा, एस्ट्रोजेन बढ़ा रह सकता है, FSH डिक्रीज, LH डिक्रीज, TSH इंक्रीज, प्रोलैक्टिन इंक्रीज। तो ये सब जो है ना डिजॉर्डर आपको बता दिए, तो इस सब के कारण क्या हो सकता है कि जनरली स्पर्मेटिक फैक्टर आ सकता है। इसके बाद अगला जो हम लोग कहेंगे, इतना होने के बाद फिर कहा तब हम अगला आ गए सीमेन कल्चर सेंसिटिविटी, सीमेन CS। ये सीमेन CS कब कराते हैं कि जब इसमें स्पर्म है बट एस्थेनोस्पर्मिया है, डेथ है, पायोस्पर्मिया है, उस कंडीशन में इसको लोग करा के देखते हैं। इतना कराने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता है, है ना, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप इन्वेस्टिगेशन में इसे हम लोग पेशेंट को USG ऑफ टेस्टिस ये लिख देते हैं। इसमें हम लोग टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड भी करा के देख सकते हैं। दूसरा हम लोग बायोप्सी ऑफ टेस्टिस, लेकिन ये तब लिखते हैं जब स्पर्मेटिक डिफेक्ट होता है तब, है ना। इस तरह से लोग पेशेंट को लिख सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर बाय द वे सब कुछ नॉर्मल नहीं कुछ पता चलता है तो ही आ गया कि स्पर्म अगर नहीं है, बन ही नहीं रहा है स्पर्म, सर्टोली सेल की डिजॉर्डर हो गई, लीडिंग सेल डिजॉर्डर हो गई, तो उस केस में इसको लोग करा के देख सकते हैं। ऐसे नहीं कराते हैं, ठीक है ना, ऐसे जहाँ कॉज होगी उसमें अच्छा चलते हैं। अब जो बात आती है हम लोग बात मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट आता है कि उसको हम लोग अल्कोहल ये सबसे अवॉइड करेंगे, अल्कोहल से अवॉइड, स्मोकिंग, टोबैको,
साइट्रस फ्रूट ज़्यादा हम लोग स्कॉर्पियो किसी ज़्यादा हम लोग बना कर देते हैं क्योंकि तो सबसे स्कॉर्पियोजा डेथ कर सकता है, ये इसके लिए अवॉइड करते हैं। अगला है वर्किंग इन हॉट प्लेस और उसका टाइट क्लॉथ, ये सब के हम लोग पेशेंट को मना करते हैं, बोलते हैं पेशेंट को लूज क्लॉथ पहनने के लिए हम लोग बोलते हैं, ये सब एडवाइस करते हैं। उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि स्ट्रेसलेस रहने के लिए, है ना, किस तरह का स्ट्रेस में नहीं रहने के लिए, ये सब पेशेंट को हम लोग नॉर्मली एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं मेडिसिन का, मेडिसिन में क्या करते हैं जैसे कि विटामिन ई का तो हम लोग कैप्सूल भी अगर वाली ऐसे नहीं होता कैप्सूल भी खिलाते रहते हैं। अच्छा हाँ, जर्मिनेटेड सीड भी देते हैं, जर्मिनेटेड मूंग, जर्मिनेटेड चना, ये सब लोग को अकड़ा हुआ देते हैं क्योंकि उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ऐसे बनता है। अगला हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे बेस्ट सेलेनियम है, जिंकम मेट है, क्यूप्रम मेट है, या फिर एसिड फॉस है, ये सब दवा हम लोग पेशेंट को देते हैं। और पेशेंट सेलेनियम तो बहुत अच्छी दवा है और इस सब से हम लोग पेशेंट को देते हैं। और फिर जरूरत पड़ता है तो जिसके जैसा फैक्टर होता है उसके अनुसार फिर हम लोग पेशेंट को दवा चलाते हैं। बाकी बातें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल इन्फर्टिलिटी नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। थैंक्स।